कक्षा 7 विषय गणित की क्लास में आपका स्वागत है। गणित के अंदर हम कर रहे थे प्रश्नावली 2.2, जिसके हमने 1 से लेकर 5 सवाल तकों का अभ्यास किया। आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है और समझना है। सवाल है, BL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो AB बराबर 35 सेमी और AD बराबर 49 सेमी है, तो BM और DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह चित्र बना हुआ है ABCD। अब देखियो, AB पर DL इसकी ऊंचाई है और MB यानी BM जो है ये किसकी हो जाएगी, AD की ऊंचाई हो जाएगी। तो आपको 1470 सेंटीमीटर दे रखा है इसका क्षेत्रफल। AB यानी A से लेके B तक ये है 35 सेंटीमीटर और A से लेके B तक ये दे रखा है 49 सेंटीमीटर। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है। कितनी होती है? 4 भुजाएं होती है और 4 भुजा ही अपने आप में इनका क्या होती है, आधार होती है। क्या होती है? आधार होती है। प्रत्येक भुजा की अपनी लंबाई मतलब ऊंचाई दे रखी होगी। तो इसमें देखिए, AB की ऊंचाई दे रखी है DM और AD की ऊंचाई दे रखी है BM। तो आपको क्या करना है, इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो हमें इन दोनों की ऊंचाइयां ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आपको दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पहले आधार लेते हैं AB। क्या लेते हैं? AB। तो समांतर चतुर्भुज का आधार, और आधार कौन सा लिया हमने? AB। ये आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 35 सेंटीमीटर। इन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है इसका आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई। देखिए, क्षेत्रफल आधार हमें दे रखा है AB इंटू ऊंचाई हमें दे रखी है DL। क्या दे रखी है? DL। क्षेत्रफल दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AB हमारे पास है 35 सेंटीमीटर इंटू DL, यानी आपको DL ज्ञात करना है। अब DL ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका 35 सेंटीमीटर का पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण हम जब करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ये गुणा के अंदर है तो गुणा का पक्षांतर करके क्या बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 35 सेंटीमीटर बराबर DL। अब देखिए, 35 का भाग लगाना है आपको 1470 में। तो 35 का भाग 1470, देखिए 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 35 चौके 140। तो देखिए, हमारे पास 149 है तो पहले कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो कितना आएगा? 140 घटाएंगे तो 7, 4 से 4 गया 0, 101 गया 0। ये पीछे वाला 0 नीचे उतार दें, कितना उतर गया? 70। और 35 से कम 35, 35 गुनी 70 कितनी बार गया?
42वां सेंटीमीटर स्क्वायर में सेमी का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 42 सेंटीमीटर बचा, और ये क्या बचा, डी एन, क्या बचा, डी एन। तो हम लिख देंगे अतः डी एल बराबर 42 सेंटीमीटर। तो हमने पहले डी एल निकाल लिया, अब हमें निकालना है वी एम, वो भी इसी प्रकार से निकालना। देखिए सैम टू सैम, अब इसका आधार हम क्या लेंगे, एडी, क्या लेंगे, एडी। एडी दे रखा है 49, क्षेत्रफल है 1470 सेंटीमीटर, और निकालने का तरीका सैम टू सैम आपका यही है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज का आधार, अब आधार हम क्या लेंगे, ए डी, क्या लेंगे, ए डी, और ये हमें दे रखा है, ए डी कितना दे रखा था आपको, 49 सेंटीमीटर, कितना, 49 सेंटीमीटर। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, तो क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा आधार क्या है, एडी, और एडी की ऊंचाई क्या है, बी एम, क्या है आधार, क्या है, एडी, और एडी की ऊंचाई क्या है, बी एम। तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर एडी हो गया हमारा 49 सेंटीमीटर, और बी एम आपको ज्ञात करना है। तो वही तरीका वापस पक्षांतरण वाला, गुणा का पक्षांतरण करेंगे, किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 49 सेंटीमीटर बराबर बी एम। अब 49 का भाग लगाना है आपको 1470, 49 98। अब देखिए 149 पूरा पूरा आ रहा है तीन बार में, 149 पूरा पूरा आ रहा है तीन बार में, तो 149 गया तीन बार, पीछे जीरो है, ये जीरो अपने स्थान पे आ जाएगा, तो कितना आया, 30। और सेंटीमीटर में सेमी का भाग लगाया तो केवल सेमी बराबर बी एन। अब नीचे लिख देंगे अतः बी एम बराबर 30 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। सवाल को पढ़िए, चित्र देखिए, समझिए, और इसको वापस अपने आप हल करने का अभ्यास कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट से बताएं, हम आपको इस सवाल को वापस हल करने का अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।